नैना, शादी करने के लिए प्यार होना जरूरी होता है ना? काश मेरी दोस्त गीता यहाँ होती हा? तो उस पर हाथ रखकर आप कसम खा लेती ना कि मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कहीं राजा ने से बता तो नहीं दिया किसकी बहन मेरी वजह से? बेला जी, आप डॉन जी से प्यार करती है ना? एक्सक्यूज मी, वो तो छींकने पर बोलते हैं, पर आपने तो छींका ही नहीं। खैर, आप बताइए ना, आप डॉन जी से प्यार करती है या नहीं? तुम मुझसे ये पूछने वाली होती कौन? हाँ, मैं नैना हूँ जी, और कौन? लैला जी, आप तो बहुत ही भुलक्कड़ हैं। अच्छा ये बताइए, आप डॉन जी से प्यार करती हैं ना? आपके इस जवाब से किसी मासूम के सपने जुड़े हुए हैं। किस मासूम के? ये भी ना बड़े चवन्नी टाइप निकले, मेरी कच्ची करवा दी ना। अंदर आओ रेखा, रेखा विक्रांत। लोटस जी भाव, विजय पर इनाम 20,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दे। जानवर जब आदमखोर हो जाए तो उसका सड़कों पर आजाद घूमना ठीक नहीं है। वो आजाद घूमेगा तो फिर किसी लड़की को अपना शिकार बनाएगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वैसे भी जितनी जल्दी बाहर की दुनिया उसके लिए महफूज होगी, उतनी जल्दी वो ये महल छोड़कर जाएगी। क्या ये सब? वो मैंने आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप डॉन जी से प्यार करती हैं। तुम मेरी मदद क्यों करोगी? खुशी, खुशी बाबा, खुशी। किसी के लिए कुछ करके जो खुशी मिलती है उससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें इतना सहारा दिया है, अगर मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी ला सकूं तो मुझे भी खुशी मिल जाएगी ना। मैं भी एक लड़की हूँ, वो भी आर्टिस्ट टाइप की। मैं ना सीन देखते ही समझ जाती हूँ कि कैरेक्टर में कितना दर्द है, और फिर आपकी इन आंखों में डॉन जी के लिए प्यार बरसात की टूटी हुई छत की तरह हमेशा टपकता रहता है। और उनकी आंखों में, उसकी आंखों में क्या? उनकी आंखों में आपके लिए फिक्र तो है पर प्यार नजर नहीं आता। अब आप ही बताइए, गलत बात है ना लैला जी? उन्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए। आप इतनी ही सुंदर है, आपको पता है आप वैजयंती माला और मधुबाला का मिक्स लगती हैं। डॉन जी से इतना प्यार भी करती हैं, उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए ना कि आप जैसी सुंदर लड़की उन्हें बड़े गुड लक से मिली है, वरना डॉन लोगों से कोई प्यार करता है भला? देखो, तुम राजा के बारे में कुछ भी नहीं जानती। पर आप तो जानती है ना, आपके पास उनका दिल जीतने का कोई तरीका नहीं है। अगर पता होता तो उसकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए परवान। किसकी मंगा रही है? मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्या क्या कर रही हूँ, लेकिन डॉन जी, मैं ना यहाँ पर भूत जी को पकड़ने आई थी, और तब मेरी
समझ में आया कि जिस आदमी के अंदर एक गायक छुपा उसके अंदर एक आनंद बख्शी भी तो छुपा ही होगा ना। मेरा मतलब है जो आदमी गाना गाता हो उसका दिल तो शायराना होगा ही ना। आपको पता है मुझे लगता था कि डॉन जी बहुत पत्थर दिल है, पर नहीं, मिट्टी सख्त है, पत्थर नहीं है। अब आप देखते जाइए कैसे प्यार के फूल खिलेंगे। मेरे पास एक नया आइडिया है जिससे डॉन जी सैड सॉन्ग छोड़कर बॉबी के गाने गाएंगे। नहीं नहीं नैना, कल जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। नैना जी, जब प्यार किया तो डरना क्या। गलती मेरी है जो मैंने जयाप्रदा जी वाला रास्ता लिया। अब हम वहां से यू टर्न लेंगे और सीधा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाला मार्ग पकड़ेंगे। डॉन जी को रात में गाना गाना पसंद है ना। आप देखते जाइए। चाहती क्या हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? साफ साफ बताओ मुझसे चाहती क्या हो तुम। डॉन जी, मैं चाहती हूँ आपको प्यार हो जाए। मुझे लगा था कि शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती की है, कि शायद तुम बाकियों से अलग हो, पर नहीं, तुम तो खुददारी का नाटक करने वाली वो लड़की हो जो असल में दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है। नैना, क्या हुआ बेटा? हुआ बेटा, कहाँ चोट लगी? I hate you! यहाँ बहुत दुख रहा है। तुझे किसी ने कुछ कहा? किसने? वो डॉन जी ने, वो बहुत बुरे हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही। अगर तू होती ना तो उनके मुंह में मिर्ची डाल देती। तुमने सही कहा था, मुझे किसी की लाइफ पे टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ना मैं टांग अड़ाती और ना मेरी बाल्टी भर के बेइज्जती होती मम्मी। तुम क्यों मर गई? मुझे तो लगता था कि मुझे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने मरकर एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया रानी। साबित कर दिया कि मुझे फर्क पड़ता है। मुझे पता नहीं अब भी ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कोई कर्ज है। एक मौका तो देती वो कर्ज चुकाने का, तुमसे कहने का कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। अच्छा हुआ तुम आ गई लैला। तुम्हें मेरा एक काम करना है, उस लड़की को मुझसे दूर रखो। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, उसकी आवाज नहीं सुननी। मैं जहां हूं वहां उस लड़की का साया तक नहीं आना चाहिए। क्यों? आधी रात को बेवकूफों की तरह गाना गाती हुई घूम रही थी, उसने तो आग लगा दी थी घर में। तुम उसे मुझसे दूर रखो वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मम्मी बहुत भूख। ये खजूर अभी संभाल के रखने का, समझा ना, गिनना नहीं मांगता है। ये सब क्या है? सैंडविच है। लेकिन ये सब यहाँ क्यों है? राजा भैया ने भेजा है। ये सब लेकर जाओ यहाँ से। मैं सच बोल रही हूँ, ये सब फेंक दूंगी।